हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के बारे में। यहां पे बताऊंगा मैं आपको इसका रियल डेटा, सब्सक्रिप्शन जो है, साथ में अलॉटमेंट के चांसेस, और गाइज अलॉटमेंट कब आ सकता है, कैसे चेक करें, कहाँ चेक करें, ये सब इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में गाइस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ न्यू वेब टेक्नोलॉजी के बारे में भी, और इन दोनों का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि हमें डाउन होता दिख रहा है, रीजन क्या है, ये भी आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ताकि इससे बेहतर डेटा आपको हमेशा हमारी तरफ से मिलती रहे। तो चलिए डिटेल हम स्टार्ट करते हैं। सो इस आईपीओ डिस्कस करने के पहले, अगर जो आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें आपको मैंने बताया लूप होल, आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे मिले, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाने के लिए ये वीडियो आप देख लें लाइव एग्जांपल के साथ, मैंने बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वीडियो के आई बटन में और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, जरूर जाके देख लेना हाउ टू इंक्रीज योर अलॉटमेंट चांसेस। ठीक है, आगे बढ़ेगा। इस बात करें हम न्यू वेब टेक के बारे में पहले, तो यहां पे डेट्स आप देख लो, 17 को ओपन होगा, 19 जुलाई को यहां पे क्लोज होने वाला है, 23 को इसका होगा अलॉटमेंट, 27 को लिस्टिंग डेट। दो की फेस वैल्यू पे ₹500 ₹500 का प्राइस बैंड रखा गया जो कि अपर प्राइस बैंड है, ठीक है, और इस पे लिस्ट होता है, नीचे का प्राइस बैंड देखने की जरूरत भी नहीं है। इशू का साइज 631 करोड़ का है जिसमें से 206 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी बचा हुआ सारा का सारा OFS। 30 शेयर आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं अगर जो आप रिटेलर कैटेगरी में अप्लाई करोगे, और अगर जो स्मॉल अच्छे नहीं में तो 420 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। गाइस यहां पे इसका रजिस्टर जो है वो लिंक इन टाइम देखने को मिल रहा है, 35% का कोटा हमारे लिए यानी रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो यहां पे इसकी हो गई डिटेल्स, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो डाल दिया है, अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो न्यू वेब टेक में, क्योंकि यहां प्राइस बैंड जो है वो महंगा देखने को लग रहा है, और वो प्राइस बैंड इस आईपीओ में जो डिमांड निकल रही है ग्रे मार्केट में उसको चेंज भी कर सकता है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के एंड में और आई बटन दे दूंगा, जाके देख लो। नेटवर्क पे ग्रे मार्केट की बात करूं गाइस, तो हमें डाउन होता दिखा है, जो वीडियो मैंने बताया या जो ग्रे मार्केट था कल या दिन में वो अभी डाउन होता दिखा है, 335 से 40 की डिमांड निकलती दिख रही है। अगर जो आप 335-40 के हिसाब से देखो तो करीब आपको एक लॉट में ₹10,200 मिलने वाले हैं, और ये करीब 68% इस आईपीओ का होता है गेन ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी निकल रहा हो बट आप किसी बिजनेस से पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसको पैसा दे रहे हो। तो नेटवेब का आईपीओ रिव्यू देख लेना, मार्केट में सबसे बेस्ट रिव्यू होने वाला है, क्योंकि इसका बिजनेस आप इसी वीडियो में समझ पाओगे, बाकी मार्केट में कोई और आपको मुश्किल ही समझा पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइज हम टेलीग्राम की। अगर जो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो कल के दिन करीब 50 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी का गेन, यहाँ पे देख लो करीब 7 कॉल जिसमें से 2 एक्टिव नहीं और 5 कॉल ने बंपर गेन दिया है। मतलब आपको यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल, स्विंग कॉल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रा ग्रीन का हमने स्विंग कॉल दिया था ₹850, करीब 830 से लेके 1376-77 तक गया है ये, मतलब आराम से आप इसमें ₹550 बना सकते थे। और गाइस आपको यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल, इंट्राडे कॉल के साथ साथ लर्निंग पेपर से बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा नंबर एक पे। अगर जो लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो 15.1 यानी 15,100 से ज्यादा सब्सक्राइबर है इस चैनल से जुड़ना सही चैनल से, दूसरे जो भी चैनल है फेक है। अगर जब लिंक से नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो टेलीग्राम पे फाइंड करके सही चैनल से जुड़ना। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यहां पे आपको डेट्स पता है, सब कुछ हो चुका है क्लोज। यहां पे गाइस अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 19th ऑफ जुलाई है इसका अलॉटमेंट डेट, और लिस्टिंग जो है वो 24 को रहने वाली है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे ₹25 प्राइस बैंड रखा गया था, इशू का साइज 500 करोड़ का था। तो यहां पे गाइस जो अलॉटमेंट आना है वो 19th ऑफ जुलाई को आएगा, और ये आएगा केफिन टेक की वेबसाइट पे, ठीक है। अगर जो केफिन टेक पे आपको नहीं आता चेक करना, तो गाइस इसका जिस दिन अलॉटमेंट आएगा आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले हम बता देंगे, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पैन डिटेल डालनी है और फिर सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा आईपीओ मिला नहीं मिला। और जिस दिन आईपीओ आना होगा उस दिन मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा किस तरीके से आईपीओ मिला नहीं मिला, कैसे पता करें, चेक करें नहीं करें। और आईपीओ को आने का जो टाइम होता है वो 8 बजे के बाद होता है 19 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का डाउट क्लियर हो गया। अलॉटमेंट के चांसेस की बात कर ले गाइस, तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन डेटा हमने न्यूज चैनल पे शेयर कर दिया था जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 पे मिल जाएगा। आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डिटेल और इंपॉर्टेंट मार्केट की और शेयर्स की न्यूज आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे गाइस डेटा जो है वो हमें 101.90 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जो कि रियल डेटा है एनएससी की वेबसाइट पे। लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट में काफी सारे लोग बताते हुए दिख रहे हैं 110.0
0.077% का। 110 उस केस में हुआ है जिसने एप्लीकेशन लगाया बट पैसा अगर जो नहीं जमा हुआ आईपीओ फेल हो गया। इस चक्कर में यहाँ पे आपको रियल डेटा यही देखने को मिल रहा है और एपॉय सब्सक्रिप्शन 62.81 टाइम आया है। कल वाली वीडियो देखोगे तो मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया था कि यहाँ पे करीब 62-63 टाइम आएगा और सामने है आपके रिजल्ट। 63 में से किसी एक को मिलना है आईपीओ, तो यहाँ पे अगर जो आप 63 में से एक लकी होते हो या फिर आप वो लूप होल फॉलो करते हो तो आईपीओ आपको मिलने वाला है। लूप होल वाली वीडियो देखना, हाउ टू इंक्रीज योर अलॉटमेंट चांसेस, ताकि अगले आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे 63 में से किसी एक को मिलना है, ये हो गया अलॉटमेंट चांसेस। अभी यहीं पे इस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात तो लोग इस, तो आपको पता है 17 रुपए तक ग्रे मार्केट प्रीमियम कल हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन आज वो डाउन हो गया है। इसका जो हाई है वो 18-18.5 रुपए तक जाता हुआ दिखा था। अभी आज का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 16-17 रुपए देखने को मिल रहा है, और 16-17 रुपए के हिसाब से अगर जो आप देखो तो करीब आपको 10,200 रुपए देखने को मिल रहा है, जो कि होता है इस आईपीओ का 68% गेन ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। तो ठीक है, आईपीओ का बढ़ना घटना लगा रहता है। यहाँ पे जो डिमांड कम हुई है वो इस वजह से, ये कुछ नए आईपीओ आने की बात कही जा रही है और कुछ एसएमई आईपीओ भी ओपन हुए हैं, साथ में आपका नेटवेब ओपन हुआ है इस चक्कर में, तो यहाँ पे इस वजह से डिमांड कम हुई है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वीकेंड है, हो सकता है मंडे से डिमांड अप हो जाए। जैसे ही सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा ना नेटवेब का, क्लियर हो जाएगा, या फिर कोई आईपीओ एक दो दिन नहीं आया तो लिस्टिंग के पहले यहाँ पे आपको क्लियर होता दिख जाएगा इसका डेटा। तो आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कुछ लगता है आपको कि मुझे पूछना चाहिए तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है बट मिलेगा जरूर, और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो करना, बहुत सारे बेनिफिशियल पोस्ट आपके लिए वहां पे डालते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, करते वीडियो का, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, प्लीज चल दिस चल दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।